तक तेरे पर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। फ्रेंड्स द लीड रोल अनुपम खेर की मूवी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो कि दो हफ्ते पहले यानी कि 11 जनवरी को रिलीज़ की गई थी। फ्रेंड्स द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी का बजट 25 करोड़ का था, जबकि आपको अगर बताता चलूँ कि इस मूवी का अब तक का यानी कि दो हफ्तों का कलेक्शन 30 करोड़ तक का हो चुका है जो कि इंडियन प्लस वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन है। इसके अलावा लीड रोल अरशद वासी और सारा लॉरेन की मूवी फ्रॉड सैयां जो कि 18 जनवरी को इंडियन प्लस वर्ल्ड वाइड सिनेमाज में रिलीज़ की गई थी। फ्रेंड्स फ्रॉड सैयां मूवी का बजट 15 करोड़ का है। फ्रेंड्स फ्रॉड सैयां मूवी का इंडियन प्लस वर्ल्ड वाइड का फर्स्ट वीक का कलेक्शन बहुत ही कमज़ोर रहा है यानी कि 95 लाख, जिसको देखते हुए मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप हो चुकी है। फ्रेंड्स फ्रॉड सैयां मूवी के साथ ही लीड रोल इमरान हाशमी की मूवी चीट इंडिया, ये मूवी भी 18 जनवरी को इंडियन सिनेमाज में और वर्ल्ड वाइड सिनेमाज में रिलीज़ की गई थी। फ्रेंड्स चीट इंडिया मूवी का बजट 25 करोड़ का था। फ्रेंड्स जबकि चीट इंडिया मूवी का इंडियन प्लस वर्ल्ड वाइड का फर्स्ट वीक का कलेक्शन अब यानी कि अब तक का 9 करोड़ तक का हो चुका है। फ्रेंड लीड रोल गोविंदा की मूवी रंगीला राजा जो कि फ्रॉड सैयां और चीट इंडिया के साथ रिलीज़ की गई है यानी कि 18 जनवरी को रिलीज़ की गई थी। गोविंदा की रंगीला राजा मूवी का बजट है 12 करोड़ रुपए का, जबकि कहा यह जा रहा है कि दिस इज़ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी के अंदर से 22 सीन कट करे हैं। बहरहाल इस मूवी का फ्रेंड इंडियन प्लस वर्ल्ड वाइड का फर्स्ट वीक का टोटल कलेक्शन 5 करोड़ रुपीस का हुआ है। इसके अलावा इस हफ्ते यानी कि दिस फ्राइडे लीड रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी ठाकरे जो कि 25 जनवरी को सिनेमाज में रिलीज़ की गई है। फ्रेंड जबकि आपको बताता चलूँ कि इस मूवी का बजट 10 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा फ्रेंड ठाकरे मूवी का इंडियन प्लस वर्ल्ड वाइड का यानी कि डे वन का कलेक्शन 2 करोड़ रुपीज़ का हुआ है। फ्रेंड देखना होगा कि आने वाले वक्तों में मूवी कितना कलेक्शन करती है। फ्रेंड ठाकरे मूवी के अलावा लीड रोल कंगना रनौत की मूवी मानी कर्णिका, ये मूवी भी 25 जनवरी को सिनेमाज में रिलीज़ के लिए पेश की गई है। फ्रेंड्स मानी कर्णिका मूवी का बजट 125 करोड़ का है। बजट के अलावा इस मूवी का फर्स्ट डे का इंडियन प्लस वर्ल्ड वाइड का टोटल कलेक्शन 11 करोड़ रुपीज़ का हुआ है जो कि ज़बरदस्त कलेक्शन है। फ्रेंड्स अगर आपको इस मूवी का पब्लिक रिव्यू बताऊँ तो इस मूवी का पब्लिक रिव्यू भी पॉजिटिव रहा है। फ्रेंड्स के अलावा आप देखना होगा कि आने वाले वक्तों में इस मूवी का कलेक्शन क्या रहता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।